कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें हमेशा झूठी लगता है। जन्नत बोलते हैं, जन्नत ऐसी जगह पर इतना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कश्मीर फाइल्स का बोर्ड लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। तो आज मैं ये फिल्म देखने आई हूँ। ये विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है और कश्मीर की सच्चाई पर बनाई गई है। तो मैंने सोचा मैं भी इसे देखना चाहिए, इस फिल्म का रिव्यू लेना चाहिए। तो मैं अभी बाहर हूँ, जैसे ही मैं फिल्म देख के आती हूँ बाहर तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा और क्या क्या दिखाया गया है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोग हैं खड़े हो के, युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। नोट दे रहा है जनाब, जिस मुल्क में रहोगे वहीं की करेंसी तो मिलेगी। कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें हमेशा झूठी लगता है। जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं, तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ही नहीं। और कोई सच बोले तो ज्ञान मत पे लो। तो अभी हम मूवी देख के आ चुके हैं बाहर और मेरे सामने सीट में ये भी बैठे थे, तो मैंने इनको भी देखा, बिल्कुल ये भी रोने लग गए थे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे मूवी के बारे में? मूवी मस्ट वॉच है, देखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता लगेगा कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ था। और लास्ट सीन तो बहुत ही ज़्यादा, बस मैं बता नहीं सकती। मतलब सबको देखना चाहिए कि ये सच्चाई हमें मालूम ही नहीं थी कि ये भी हमारी हिस्ट्री है और इस बारे में हमें कहीं भी पता नहीं है, ना हमने इसे पढ़ा है ना कहीं कुछ देखा है। तो आज देख के मतलब ऐसा हुआ कि हिल गए कि आखिर मतलब उस टाइम पे मुझे इतना रोना आया। मुझे वो जन्नत बोलते हैं, हाँ जी, जन्नत ऐसी जगह पर इतना बुरा, इतना गंदा बिहेवियर पंडित के साथ, हाँ, जो हमें पता ही नहीं था आज तक। मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने अच्छे से दिखाया है। विवेक अग्निहोत्री जी की है ना ये मूवी, तो उन्होंने अच्छे से दिखाया है, तो बिल्कुल रियलिटी दिखाई है। हाँ, जाके देखो मूवी, पता लगेगा कि क्या हुआ है। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आंटी जी भी आ चुकी हैं फिल्म देख के, तो आप बताइए क्या हाल है इस बारे में? बहुत अच्छी लगी पिक्चर हमें। हाँ जी, बहुत ही अच्छी लगी और समझ आया सारा कुछ, कश्मीर का जो हम पास नहीं जानते थे वो भी जान पाए हैं। और ये सब मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं, धारा 370 हटी है, उसकी वजह से एक हम कश्मीर हमारे भारत में था तो पहले से ही, लेकिन अब हमारे संविधान में जुड़ गया है, तो उसके कारण सब पे समान कानून लागू होगा। लोगों के अंदर जो प्रांतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा हट चुकी है। हाँ जी, और सबको देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, ताकि इतिहास का जो हमारा है वो पता चल, पता चल सके, जो कि हमने कभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल, हाँ, एक बार जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम मूवी देख के आ गए हैं और मुझे तो बहुत मतलब रोना आ गया था। मतलब आपको कैसी लगी मूवी? तो वाकई में औसम है और मतलब इस टाइम मतलब कुछ ऐसा हो रहा है ना कि हिंदुत्व वाली बातें हो रही हैं हर जगह पे, और उसी टाइम पे जैसे अब ये अचानक से ये वाली फिल्म आई है तो डबल जोश आ गया लोगों में, ऐसा कुछ हुआ है मेरे। हाँ, तो कुल मिला के ऐसा होना चाहिए था कि जो हमको पढ़ाया जाना चाहिए बचपन में स्कूल्स में, तो ऐसा लग रहा कि वो पुरानी चीज़ें हमको ऐसा उनको छुपाया गया हुआ है। मतलब सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ, सच्चाई जैसे मतलब काफ़ी हद तक छुपाई हुई है। तो जैसे रश्मि बता रही है कि मेरे को तो रोना आ गया था, तो उस दौरान मैं देख रहा था कि जितनी भी लेडीज जो उतर रही थी या जा रही थी ना, मैक्सिमम सब रो रहे थे, मैक्सिमम सब की आंखें भीगी हुई थी। मतलब लास्ट का सीन मुझसे देखा ही नहीं गया, मैंने देखा भी नहीं, सच बोलूँ मैंने आंखें बंद कर दी थी, मैंने नहीं देखा। और उसके बावजूद भी मतलब देखने के बावजूद भी मतलब इतना रोना आ गया था ना, मतलब और जिन पे बीती होगी ना तो उनका तो क्या कह सकते हैं, बहुत, और उनके अपनों ने मतलब बहुत। पर मैं सल्यूट करता हूँ अनुपम खेर की एक्टिंग को लेके, सबकी एक्टिंग अच्छी थी, सबकी एक्टिंग अच्छी और मतलब विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने इसे डायरेक्ट किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। और मैं सबसे बोलूंगी कि प्लीज़ फिल्म देखने जरूर जाएं और थिएटर में जाएं। क्या होगा ना इससे कि हम अपने आप घर में देख लेंगे ना कहीं से डाउनलोड करके या कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि जो मतलब फिल्म बना रहे ना तो उनको पैसा नहीं जा पाता है,
ठीक है। तो वो आगे जो भी कोई सोचेगा ना कि ऐसी मतलब सच्चाई पे आधारित फिल्म बनाने की, तो नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको लॉस होगा। वो सोचेंगे हमें जब नुकसान हो रहा है तो हम नहीं, मतलब एक बार सोचता है ना बंदा, तो इसलिए अगर हम वहाँ पर जाकर देखेंगे ना तो उनको थोड़ी इनकम भी होगी, तो ऐसी अच्छी फिल्में बनेंगी जो कि मतलब सच्चाई पर आधारित होंगी। तो इसीलिए मैं वरना कभी नहीं जाती फिल्म देखने के लिए, तो मैं इसीलिए गई आज मैं, क्योंकि मैं सपोर्ट भी करना चाहती थी और देखना भी चाहती थी। देखने को मैं घर में भी देख सकती थी, पर मैं इसलिए ही गई कि ताकि उनको थोड़ी सी मतलब हमारा सपोर्ट मिले, ये फिल्म बहुत आगे जाए और ऐसी फिल्में आगे भी बनती रहें जो सच्चाई पर आधारित हो, क्योंकि मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है पर सच्चाई जानना भी बहुत जरूरी है, और सच्चाई हम लोगों के तब तब भी पहुंचेगी ना जब कोई पहुंचाना चाहेगा तो। सही बात है। और जिन सबके साथ या जिनकी फैमिली के साथ ये सब हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, उन सबको न्याय मिले और वो लोग वापस अपने पैतृक संपत्ति या पैतृक घर में पर जाए कौन, अगर फिल्में देखी तो जाएगा कौन, इतने सारे लोग तो मर गए, इतना बुरा हुआ। पर ये मैं कहूँगी आगे कभी ना हो ऐसा, सब प्यार से रहें और ऐसा कभी ना हो, किसी के साथ ना हो ऐसा, तो सबको देखनी जरूर चाहिए एक बार। मतलब मैं तो, मेरे को था भी कि मैं देख नहीं पाऊँगी अगर ऐसा है कुछ तो, पर फिर भी मैंने सोचा जाना चाहिए तो मैं गई। तो सबसे यही कहूँगी एक बार जरूर देखना। सही बात, आप भी जरूर देखो, सब सपोर्ट कीजिए। एक मुझे क्या हो ना, मैंने सोचा मैं सबका रिव्यू लूँगी, जब मैं फिल्म देखने गई थी मैंने सोचा मैं सब, बहुत सारे लोग आए थे, भीड़ थी, मैं सबका रिव्यू लूँगी, पर लास्ट टाइम पे इतनी इमोशनल हो गई, रोने लगी, तो कुछ हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, हिम्मत ही नहीं रहा कि किसी को क्या पूछना है क्या नहीं। वो भी एक दो को भी थोड़ा सा बाद में पूछा, जो वो पीछे से रुके थे ना मतलब नीचे पार्किंग में, तब जाके उनका रिव्यू ले पाई। मतलब पार्किंग तक आप खुद लगा लो, ये भी रो रही थी, और वो लोग जो थे तो वो लोग भी इमोशनल थे, पूरे रो रहे थे। मतलब रोना तो बहुत बार होता है ना कि सबके सामने थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता, पर वाकई में रोना तो आया था बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिल में अगर विनम्रता, थोड़ी सी नरम भाव अगर किसी के होगा ना, तो समझ लो वो इंसानियत उसके दिल में जिंदा होगी। अगर नम्रता नहीं है तो इंसानियत समझो मर गई। पता नहीं क्या कह सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब कुछ घंटे के लिए तो दिमाग ऐसा हो गया था कि बिल्कुल मतलब नॉर्मल नहीं था। तो अभी मैं रात का जब खाना बना के, अब खाने के बारे खाना बना चुकी हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ बोल पाएँ इस बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।